हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए हमने रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रखी थी। मैंने इसके और भी पार्ट्स अपलोड कर दिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। वो जो इसके और पार्ट्स है वो भी देख लेना आप। और ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें, ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैंने जो है फार्माकोलॉजी का रैपिड रिवीजन का भी एक सीरीज स्टार्ट किया, उसमें मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दिए, डायुरेटिक्स के एमसीक्यू और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स उसके एमसीक्यू। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो आई बटन में उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे, आप वो ज़रूर देखना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हमारा जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। है इन विल्सन डिजीज ए कंडीशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ, ऑप्शन देखिए, आयरन, जिंक, कॉपर या आयोडीन। तो विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, ये कॉपर जो होता है ये ज़्यादा हो जाता है, ओके। ऑप्शन थ्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, एन एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है, पायोग्लिटाजोन यूज्ड इन टाइप टू डायबिटीज एक्ट बाय, तो कैसे काम करती है ये। ऑप्शन देखिए, डिक्रीज द ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इनहिबिटिंग इंटेस्टिनल एंड ग्लाइकोसाइडेज या स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो अब आप मुझे बताना पायोग्लिटाजोन है कौन सी क्लास की ड्रग होती है, ठीक है। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं ना, उसके क्लासिफिकेशन में आते हैं पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन, दो ड्रग आती हैं, तो इनकी कैटेगरी कौन सी होती है आप मुझे ये कमेंट करके बताना। सिंपल क्लासिफिकेशन में से है ये, और क्लासिफिकेशन तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, तो इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, ऑप्शंस हैं एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स या एंटीसेप्टिक्स। आंसर इज ऑप्शन थ्री, एंटासिड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रोसी। कौन सी है एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो टीबी की ट्रीटमेंट में और प्लस लेप्रोसी दोनों की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी होती है, दो ड्रग के नाम पढ़ते हैं आप, है ना, तो ऑप्शन में एक ही होगी। देखिए ऑप्शन देखिए, आइसोनियाज़िड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन और रिफैम्पिसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फोर हो जाएगा, रिफैम्पिसिन। अब एक और ड्रग है जो यूज़ करते हैं आप, उसका नाम जो है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर। ऑप्शंस देखिए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के या नन ऑफ दीज। तो कौन सा है इसका आंसर, तो विटामिन जो है के हो जाएगा ना हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा, विटामिन के जो होता है इसको एंटी हेमरेजिक फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन्स के जो एमसीक्यूज हैं उसका वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जो है विटामिन के एमसीक्यूज मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ जो है बता रखे हैं आपको अच्छे से, तो आप वो वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन देखिए सिक्स है, कैब ओ सिल इज यूज एज, जो क्लोराइड सिलिका होता है वो है ये। ऑप्शन देखिए, लुब्रिकेंट्स, एंटी एडहेरेंट्स, ग्लाइडेंट्स या डिसइंटीग्रेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोराइड सिलिका जो है ये कैप ओसिल होता है, ग्लाइडेंट होता है, ऑप्शन थ्री राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए सेवन है, एंटेरिक कोटिंग ऑफ टेबलेट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ऑप्शन देखिए, पोविडोन, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सेलोज एसिटेट थैलेट या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो थैलेट्स होते हैं ना ये, ठीक है, तो सेलुलोज एसिटेट थैलेट यूज़ करते हैं एंटेरिक कोटिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945
गिव्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रिमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपसे पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल एम वन एम टू एम थ्री। देखिए तो जो एम वन एम टू एम थ्री के लिए मैं आपको एच सी एम याद करवाती हूँ, शेड्यूल्स का जो वीडियो है आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। एच सी एम तो एम वन हो जाता है ये होम्योपैथिक के लिए, जी एम पी जो होता है एम टू कॉस्मेटिक्स के लिए, और एम थ्री होता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा बिल्कुल इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द केमिकल इन्वॉल्व्ड इन लिबरमैन बर्काट टेस्ट। तो लिबरमैन बर्काट टेस्ट, पहले तो आपको पता होना चाहिए किस किस के लिए होता है ये टेस्ट। ये स्टेरॉइड्स के लिए होता है और टर्पिनॉइड्स ट्राइटर्पिनॉइड्स जो होते हैं उनके लिए होता है लिबरमैन बर्काट टेस्ट। तो इसमें केमिकल जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन तो आपने अभी तक देख ही लिए होंगे, है ना। तो अभी ये देखिए आंसर देख लीजिए इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। ओके ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 10 है, अल्कलाइन डायोरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू, ऑप्शन देखिए एट्रोपिन मोर्फिन फिनोबार्बिटोन या एम्फिटामिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोल अल्कलॉइड। तो इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सा नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोल अल्कलॉइड्स की कौन कौन सी ड्रग होती है। देखिए एरगट तो आता है, रिजर्पिन इंडोल अल्कलॉइड्स में ही है, विनका भी आता है, तो हायोसाइमिन नहीं आता, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 है, पायराजिनामाइड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो पायराजिनामाइड है कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल आपको तो इसके ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। देखिए क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाता है, आई बटन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जो पायराजिनामाइड है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए है 13, लिसर्जिक एसिड इज़ अ प्रिकर्सर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ऑप्शंस देखिए एरगट, क्विनिन, निकोटिन या मॉर्फिन। तो लिसर्जिक एसिड प्रिकर्सर होता है किसके लिए, एरगट, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरोइडल एंटीबायोटिक। स्टीरोइडल एंटीबायोटिक कौन सी है, मतलब कि इसके अंदर स्टीरोइडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्टीरोइडल न्यूक्लियस जो होता है वो कौन सा होता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेथ्रीन जो होता है ना वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है मतलब। तो ऑप्शन देखिए फ्यूसिडिन, क्लिंडामाइसिन, बेसिट्रासिन या क्लोरमफेनिकोल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूसिडिन, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 15, इन ए प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय द मेडिकल डॉक्टर सब्सक्रिप्शन इज द पार्ट विच कंटेन डायरेक्शन टू द। तो प्रिस्क्रिप्शन के आपको सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, इंस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर ठीक है सिग्नेचरा होता है ना। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, डायरेक्शन टू द, तो ऑप्शन तो आपने देख लिए होंगे, तो फार्मासिस्ट होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैब जो होता है उसका चेयरमैन कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कौन है इसके चेयरमैन, ऑप्शंस देख लीजिए, तो यह डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन देखिए इसमें है 17, इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 लिस्ट ऑफ डिजीज और एलमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर इज मैंशनड इन। तो किस में आते हैं आपको पता ही है, ये तो किसकी बात हो रही है, ऑप्शन देख लीजिए शेड्यूल जे की बात हो रही है, ठीक है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा शेड्यूल जे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, टी टाइप के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है उसमें कौन सा नहीं आता। तो आपको सारे के सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है डी टाइप के पता होने चाहिए। देखिए ज्यूरिसप्रूडेंस जो है ये, इसके मैंने एक टॉप 65 क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है ये ज्यूरिसप्रूडेंस के क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन, तो इस टाइप के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।
तो कौन सा नहीं होता, तो ऑप्शन देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट पीसीआई भी है इसमें, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 19 है, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स इज इश्यूड इन, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए इसकी, फॉर्म नंबर 31, 32, 31 ए या 32 ए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्म नंबर 32 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ, तो ऑप्शन देखिए सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी या सेलेक्टिविटी, तो ऑप्शन वन हो जाएगा सेफ्टी। नेक्स्ट है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन में कौन सा नहीं आता, ऑप्शन देखिए इनोक्सापेरिन, लैपिरुडीन, रेविपेरिन या पर्नापेरिन, तो ऑप्शन बी हमारा लैपिरुडीन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 22, फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन, ऑप्शन देखिए एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, डीप पेन, थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस को छोड़ के बाकी तीनों में यूज़ करते हैं फिब्रिनोलिटिक्स, तो आप मुझे फिब्रिनोलिटिक्स जो है उनका एग्जांपल बताना, ठीक है, जो आपको याद है इस टाइम वो। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकेंड ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन, तो ऑप्शन देखिए ऑक्सीडेशन, एस्टाइलेशन, हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन, तो फेज सेकेंड में एस्टाइलेशन आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ऑप्शन है साइक्लोपेंटोलेट, प्रोसाइक्लिडिन, ट्रोपिकेनामाइड या प्रोपेंथिलीन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोपेंथिलीन। क्वेश्चन देखिए 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एरोमेटेज इनिबिटर, तो एरोमेटेज इनिबिटर देखते ही अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से याद किया हुआ है तो आपको इसको देखते ही लिट्रोजोल और एनेस्ट्रोजोल को नाम याद आना चाहिए, ठीक है, लिट्रोजोल और क्या होती है एनेस्ट्रोजोल जो होती है ये क्या होती है एरोमेटेज इनिबिटर होती है, ठीक है, रेलोक्सिफिन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लिट्रोजोल, ओके। नेक्स्ट देखिए 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में सेफेस्ट एंटी मलेरियल है, तो ये क्लोरोक्विन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, फोरामिनोक्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27, व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर मिक्स टुगेदर दे विल फॉर्म, तो ये क्या बनाते हैं, ऑप्शन देखिए पॉजिटिव मिक्सचर, यूटेक्टिक सॉलिड या कोलोइडल सॉल्यूशन, तो यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 28, ए मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स इज यूज्ड इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर, तो बीज वैक्स और कार्नोबा वैक्स का मिक्सचर जो होता है उसको किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन देखिए सीलिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग या सब कोटिंग, तो पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं ना बीज वैक्स, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 29, पैडल ओवर डिस्क इज एन यूएसपी, तो यूएसपी का कौन से टाइप का अपरेटस होता है जो पैडल ओवर डिस्क होता है, ऑप्शन है अपरेटस 1, 2, 3 या 5, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपरेटस 5 होता है। क्वेश्चन 30 है, आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल सैंपल इज द मेजर ऑफ, देखिए ऑप्शन है मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड या अनसैपोनिफाइबल मैटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना वो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एलिसिन इज अ कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो एलिसिन है किसमें प्रेजेंट है, ऑप्शन है कोरिएंडर, गार्लिक, तुलसी, अश्वगंधा, तो गार्लिक जो है उसमें प्रेजेंट होता है एलिसिन, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ऑप्शन है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स का भी वीडियो बनाया हुआ है, कौन कौन से टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। नेक्स्ट है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ऑप्शन है बेसिक एसिडिक, नो एसिडिक और बेसिक या बोथ बेसिडिक एंड एसिक प्रॉपर्टीज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नो एसिडिक और बेसिक, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना तो एसिडिक होते ना बेसिक होते, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 34, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर विटामिन बी12 एक्टिविटी ऐसे, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस लश्मानी जो होता है उसको यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज यूज टू माइक्रोबियल एसे ऑफ टेट्रासाइक्लिन, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए जल्दी से इसका, तो कौन सा जो है टेट्रासाइक्लिन के माइक्रोबियल एसे के लिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, बैसिलस सीरियस, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम। तो ओपियम का सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है, ओपियम का सोर्स क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए ये होता है जो ओपियम का सोर्स, ये क्या होता है, ड्राइड लेटेक्स एक्सडेट्स ऑफ द अनराइप इनसाइज्ड कैप्सूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये अनराइप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में राइप दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि अनराइप जो कैप्सूल होता है ना वो यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, एट्रोपिन इज़ 1:1 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल। तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप इसके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हायोसाइमिन। क्वेश्चन देखिए 38, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में हम दो ही नाम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हिस्टिडीन का और एक पढ़ते हैं आर्जिनिन का, है ना, एस्पैराजिन नहीं होता, ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना, ऑप्शन बी हो जाएगा हिस्टिडीन। नेक्स्ट है एंटीडोट यूज इन कॉपर पॉइजनिंग। ठीक है, कॉपर पॉइजनिंग में एंटीडोट आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शन देखिए डिसफेरियोक्सामिन, डी पेनिसिलामिन, एट्रोपिन, बी ए एल ब्रिटिश एंटीलाइवेसाइड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डी पेनिसिलामिन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एर्गट पाउडर गिव ब्लू कलर विद, तो वन अर्क रिएजेंट के साथ जो है एर्गट पाउडर्स ब्लू कलर देते हैं, ऑप्शन देखिए बेंजल्डिहाइड, पैरा डाइमिथाइलामिनो बेंजल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको पता होना चाहिए वन अर्क रिएजेंट में क्या होता है, तो ऑप्शन बी है पैरा डाइमिथाइलामिनो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द केमिकल कॉन्स्टेंट नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम, ऑप्शन है मॉर्फिन, कोडिन, नारकोटिन या हीरोइन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हीरोइन। नेक्स्ट है 42, पाल्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद, ऑप्शन देखिए एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड, लैमिनार इज डेंसर, प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड या विद टेपरिंग एपेक्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें जो है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड 0% होता है, एबसेंट होता है मतलब। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड द प्रीकर्सर ऑफ मेलानिन, तो याद रखना है मेलानिन का प्रीकर्सर कौन सा अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड होता है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द ऑफिशियल सोर्स ऑफ सिंकोना, ऑप्शन है सिंकोना कैलिसा या ऑफिसिनेलिस सक्सिरुब्रा या इंडिका, तो इंडिका की जगह अगर लैडगेरियाना होता तो सारे के सारे ही सिंकोना के सोर्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, सिंकोना सक्सिरुब्रा और सिंकोना लैडगेरियाना होता है, बट सिंकोना इंडिका नहीं होता, तो आप इसका ऑप्शन डी राइट कर देंगे। सिंकोना की फैमिली कौन सी है, कौन सी है, वही है जो आईपीकैक की भी है, पेल कटेचू की भी है, अब आप मुझे बताएंगे कौन सी है वो। नेक्स्ट है क्लोव की फैमिली पूछी हुई है भाई, ऑप्शन देखिए रूबिएसी, मिर्टेसी, लिलिएसी या रूटेसी, तो मिर्टेसी है ना क्लोव की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूजीनिया कैरोफाइलेसिया सोर्स होता है और मिर्टेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट देखिए विटामिन एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम, तो याद रखना है टिश्यू कल्चर मीडियम में कौन सा विटामिन होता है, एसेंशियल होता है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा थायामीन। नेक्स्ट है टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज, ऑप्शन देखिए केमिस्ट ओपियम, ड्रगिस्ट चाइनीज या केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रगिश ओपियम। नेक्स्ट है बरा चंद्रिका इज सिनोनिम ऑफ, ऑप्शन देखिए रोवोल्फा टेट्राफाइला, रोवोल्फा वोमिटोरिया, सर्पेंटाइना या कैनेसेंस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रोवोल्फा टेट्राफाइला। नेक्स्ट है 49, विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल, तो इंडोलक्लोड्स में कौन सी ड्रग आती है, सेना तो नहीं आती, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की है ये, तो सिनेमोन भी नहीं आती, रिवॉल्फी आती है क्या, आती है भाई, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बेलाडोना भी नहीं आता, ट्रोपिन अलक्लोड्स में आता है ये तो, है ना, तो ऑप्शन सी कर देंगे हम रिवॉल्फिया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विनक्रिस्टिन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म, तो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो विनका से जो ऑब्टेन होते हैं, कथरंथस रोजियस जिसका सोर्स होता है पेरीविंकल जिसका सिनोनिम होता है, उस विनका की बात हो रही है, उससे मिलता है विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं, तो इनका आपसे मैकेनिज्म पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए आपने अभी तक ऑप्शन तो देख ही लिए होंगे, तो देखिए इनहिबिशन तो क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट होने वाला है इसमें। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है, देखिए आप लोग कहते हैं मैम थोड़ा पेपर का इनका जो टेस्ट पेपर है इनका लेवल थोड़ा सा हार्ड लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आपका हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है उसकी, क्योंकि सिलेबस जो डिप्लोमा का सिलेबस रहता है, तो आप कहते हैं मैम पेपर का लेवल हाई है। देखिए अगर हम अच्छे से हाई लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो पेपर ईजी होएगा, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारे
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनकी सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशंस ही अच्छे लेवल की कर रहे हैं तो अगर लो लेवल का पेपर आ रहा है तो आपका तो फ़ायदा ही है ना उसके, तो आपके आपको उसमें कुछ नुकसान थोड़ा ना। अगर हम प्रिपरेशंस ही कम लेवल की करेंगे और पेपर आ जाए हाई लेवल का तब तो दिक्कत है, लेकिन हमने प्रिपरेशंस ही हाई लेवल की कर रखी, पेपर अगर लो लेवल का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए देखिए सिलेबस जो है ये डिप्लोमा बेस्ड, डिप्लोमा का सिलेबस है कहने का होता है, लेकिन जब आप पेपर उठा के देखते हैं ना तो उसमें उसमें मतलब कि इतना अब जो है लेवल अच्छा हो चुका है पेपर का। पहले तो है जो इजी आते थे, अब आपने ESIC का देखा होगा पेपर, 2016 के पेपर उठा के देख लीजिए आप, इतना इजी पेपर था। जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसका लेवल आप लोग देखिए, देख के हैरान रह जाएंगे। तो मतलब कि कुछ नहीं कह सकते किस टाइप का पेपर आ जाए, तो हमें अपनी प्रिपरेशंस तो हैं बहुत ही अच्छे से करनी होती है, ठीक है। बाकी फिर पेपर जो भी आए हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखिए, क्लोरप्रोमाजीन एबोलिश द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ, तो ये क्वेश्चन भी आपके दो से तीन बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ऑप्शन देखिए, लैबेटालोल, क्लोनिडिन, प्रोपेनोलोल या एटिनोलोल, तो आंसर इज ऑप्शन टू, क्लोनिडिन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, अडल्ट्रेंट्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, ओके। क्वेश्चन है 53, सर्टेन्स ऑफ द सेल्स ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल्स आर फिल्ड विद माइक्रोस्फीनोइड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, के जो माइक्रोस्फीनोइड्स या सैंडी क्रिस्टल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ध्यान रखना किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, तो ये सिंकोना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंकोना की करेक्टरिस्टिक्स होती है ये, ऑप्शन बी आपने राइट करना है इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट द यूज़ ऑफ धतूरा, धतूरा का यूज़ कौन सा नहीं है, एंटीकोलर्जिक होता है, मिडरेट्रिक होता है, एंटी एड्रेनर्जिक नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ मोशन सिकनेस भी, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एंटायर पार्ट ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट, तो देख लीजिए ऑप्शन एरगट, बेलाडोना, धतूरा, क्लोव, तो क्लोव का फ्लावर बड यूज होता है, तो ऑप्शन सी हो जाए, क्लोव। नेक्स्ट है, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज हाई एफिकेसी, तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से ऑप्शंस देखिए, इसको बोलेंगे फुल एगोनिस्ट बोलेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज एस्ट्रोफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, आंसर इज, जल्दी से सोचिए अपना, ऑप्शन ए, प्रोकेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड, ऑप्शन देखिए डायजीपाम, लैमोट्रिगिन, इथोसक्सिमाइड या टोपिरामेट, तो आंसर इज ऑप्शन बी, लैमोट्रिगिन। क्वेश्चन देखिए 59 है, विच कंसिडरेशन इज नॉट ट्रू फॉर फेनिटोइन, ऑप्शन है इट इनहिबिट कैल्शियम चैनल, तो पहला ही ऑप्शन, क्योंकि फेनिटोइन का कैल्शियम चैनल से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा, ओके। स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बारबिट्यूरेट्स इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीजर या जनरलाइसिस, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन है, तो देखिए इंसुलिन की प्रिपरेशन है आपको सारी पता होनी चाहिए, शॉर्ट एक्टिंग कौन से, लॉन्ग एक्टिंग कौन से, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन से, सारी सारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट जो आपसे पूछा हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो प्रोटामिन जिंक जो है आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन, तो पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो क्या करती है, सेलवॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स के ऊपर है, एमिनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, तो एमिनोग्लाइकोसाइड क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय बाइंडिंग टू, ठीक है। तो देखिए 30S राइबोसोमल पार्टिकल्स, पेप्टिडोग्लाइकन्स, इनसैल्युबल डीएनए या एमआरएनए, तो ये करती है ऑप्शन ए हो जाएगा, 30S राइबोसोमल पार्टिकल्स पे बाइंड होती है, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, ऑप्शन देखिए इंसुलिन, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन या FSH, तो ऑप्शन टू हो जाएगा, कोर्टिसोल। देखिए रिसेप्टर्स का वीडियो भी अपलोडेड है, ठीक है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो रिसेप्टर्स का वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट्स जो है रिसेप्टर्स के उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज़ अ नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट, ठीक है, नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है एंड यूजेस कफ सप्रेसेंट, ऑप्शन देखिए डेक्सट्रोमिथोरफन, क्रोमोग्लाइकेट, फोलकोडिन या ग्लूकोकोर्टिकोड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फोलकोडिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंटीलैप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन, तो डैप्सोन जो होता है डायमिनो डाइफिनाइल सल्फोन जो होता है,
ठीक है, तो इसको लैप्रोसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी लैप्रोटिक होता है तो इसका मैकेनिज्म पूछा तो क्या करता है ये, ऑप्शन वन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो होती है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, तो आपको पता ही है। तो इसका जो आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, देखिए इट इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, तो बिल्कुल सही है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करती है आइसोनियाजिड। इसका मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व एस्टाइलेशन, बिल्कुल सही बात है। यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इट मे कॉज हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सिफ्यूरोक्सिम ड्रग कम्स अंडर, तो देखिए सिफेलोस्पोरिन से आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन में कौन सी आती है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, चारों जनरेशन आपको पता होना चाहिए सिफेलोस्पोरिन की, तो सिफ्यूरोक्सिम है ये सेकेंड में आती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, विच एंटी मलेरियल ड्रग इज नॉट ए ब्लड साइजन, तो इसका सिफेलोस्पोरिन का मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना ओंकोलॉजी के। ओके नेक्स्ट है, एंटी मलेरियल ड्रग जो ब्लड साइजेंटोसाइडल ड्रग नहीं है, ऑप्शन देखिए हेलोफेंट्रिन, मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन या क्लोरोक्विन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राइमाक्विन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन, तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वैसोप्रेसिन जो एंटी डायुरेटिक हार्मोन होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन सी फेज में इथिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑप्शन फोर हो जाएगा, फेज फोर। क्वेश्चन देखिए 71, अमीबियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ, ऑप्शन देखिए, तो अमीबियासिस किसका इन्फेक्शन होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 72, इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोटलिंग का मतलब क्या होता है, मोटलिंग तो आपको नाम से ही पता होना चाहिए, इतनी बार रिपीट हो चुकी है क्वेश्चन, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज नॉन एज मोटलिंग, ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिल्डिनाफिल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, तो सिल्डिनाफिल जो होता है इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है आप इसका राइट कर देंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ स्टेरॉइडल न्यूक्लियस, तो ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, 5 अल्फा 14 अल्फा 5 अल्फा, तो 5 बीटा 14 बीटा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 बीटा 14 बीटा। नेक्स्ट है, रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो आपको पता ही है सिंपल क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर स्टरलाइजेशन इज टेस्टेड विद, ऑप्शन देख लीजिए इसके, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्पोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस या वेजिटेटिव सेल्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इज कॉल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन, जो रेडिएशन जो होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गामा रेज जो है ये आता है कोल्ड स्टरलाइजेशन में। नेक्स्ट है, शेड्यूल एच पूछा आपसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, शेड्यूल एच में आपको पता है ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ड्रग टू बी सोल्ड ओनली द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS एक्ट पूछा आपसे कब पास हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन सी है 1985। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट है और कौन से ईयर में पास हुए थे, तो ये सारे आप अच्छे से याद कर लेना, मेरा भी वीडियो अपलोडेड है, जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। नेक्स्ट है, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, तो आपको नाम से पता होना चाहिए 1948 में पास हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट, ऑप्शन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, कौन सा रूट होता है, ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो आपको पता है ओरल रूट होता है, तो ऑप्शन बी राइट कर देंगे आप इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन देख लीजिए, ओनली वाटर सोल्यूबल कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन इंजेक्शन या एक्ट एक्शन डेवलप स्लोअर देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन देखिए, सिंपल प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर या कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर। नेक्स्ट है, इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स मे प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस।
नेक्स्ट है टेस्ट विच इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, माइकोबैक्टीरिया होता है ना, एक माइकोबैक्टीरिया, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो जील नेल्सन स्टेनिंग होती है। ऑप्शन डी आपने राइट करना है इसका। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम मीडिएटेड बाय, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द क्रूड ड्रग इज नॉट इन द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड में कौन सी आती है और अनऑर्गेनाइज्ड में कौन से आते हैं आपको पता होना चाहिए। सो सीड फ्लावर फ्रूट्स तो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, लेकिन गम्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट पूछा ना, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो आपका गम्स आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक साइट्स ऑन एंटीजन विद विच एंटीबॉडीज रिएक्ट आर कॉल्ड। ऑप्शन देखिए, आइसोटोप्स, इम्यूनोजेंस, एपिटोप्स या कैरियर। ऑप्शन सी हो जाएगा, एपिटोप्स। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन बी सीन इन वायरस एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, न्यूरामिनिडेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कोलाजिनेज या प्रोटीज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलाजिनेज। नेक्स्ट है विच टेक्निक इज करंटली यूज फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ एड्स। ऑप्शन देख लीजिए आप इसके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ईस्ट इज ए, ऑप्शन देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फंजाई। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। ऑप्शन है कटर मिल, हैमर मिल, रोलर मिल या फ्लूड एनर्जी मिल। तो क्या पूछा, बोथ पूछा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लूड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरेंस में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो फ्यूज होते हैं किसके साथ। ऑप्शन देखिए, थायाजोलिडिन रिंग, 1,3 डाइहाइड्रोथायाजिन सिस्टम, थायाजिन सिस्टम या डिहाइड्रोथायाजोलिडिन सिस्टम। आंसर इज ऑप्शन बी, 1,3 डाइहाइड्रो थायाजिन सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरमफेनिकोल, सिफाड्रोक्सिल, क्लेवुलैनिक एसिड या एम्पिसिलिन। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लेवुलैनिक एसिड। नेक्स्ट है पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पेनिसिलोइक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर। किसकी होती है, अल्फा, बीटा, गामा या यूवी रेडिएशन। तो गामा रेज की होती है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन इज, ऑप्शन देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी एंजिनल या एंटी एपिलेप्टिक। तो इंसुलिन ऑप्शन बी हो जाएगा, हमें पता ही है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू क्लास ऑफ, तो इथाक्राइनिक एसिड किस में आता है, तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो होते हैं, लूप डायरेटिक्स में आता है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिए, पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। ओके,